आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। एसटीएफ के नाम पर शिक्षकों की नियुक्ति फर्जी बताकर रंगदारी वसूलने वाले राजकुमार यादव, रुद्र प्रताप यादव उर्फ आरपी और गिरधारी लाल जायसवाल सहित तीन अभियुक्तों को एसटीएफ और कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आर्मी में उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों के नौजवानों को फर्जी नौकरी दिलवाने के नाम पर करोड़ों रुपए लेकर भाग जाने के आरोपी शातिर अभियुक्त नन्हेलाल यादव को सिकरीगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। प्राइवेट बसों से अवैध वसूली की शिकायत पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई और सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने प्राइवेट बस स्टैंड का किया निरीक्षण, कहा अवैध वसूली करने वाले एक अभियुक्त को सोमवार को भेजा गया है जेल, बाकियों की जुटाई जा रही है जानकारी, की जाएगी कार्यवाही। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में चलाया गया विशेष वाहन चेकिंग अभियान, 600 से अधिक वाहनों का किया गया चालान। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा वाहन चलाते समय अवश्य करें यातायात नियमों का पालन। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने गहन परीक्षण के बाद गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग को घोषित किया मेंटर इंस्टीट्यूट, बना पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला मेंटर इंस्टीट्यूट। अब तक प्रदेश के सिर्फ 12 नर्सिंग कॉलेज ही बने हैं मेंटर इंस्टीट्यूट। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए मेंटर इंस्टीट्यूट के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य नर्सिंग कॉलेजों का करेगा मार्गदर्शन। ब्रह्मपुर ब्लॉक के 4 विद्यालयों का डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने किया निरीक्षण, जांचा अध्यापकों व बच्चों की उपस्थिति, भोजन की गुणवत्ता को किया चेक, कहा रिपोर्ट जिलाधिकारी को किया जा रहा है प्रेषित। तीन दिवसीय प्रदेश स्तरीय महिला हैंडबॉल एवं बास्केटबॉल के अंतर मंडलीय प्रतियोगिता का हुआ समापन। महिला हैंडबॉल में अयोध्या ने बस्ती मंडल को तथा बास्केटबॉल में गोरखपुर ने वाराणसी मंडल को पराजित करके बनी चैंपियन। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा स्पोर्ट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत है जरूरी। स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत नगर निगम के द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले कार्यक्रम के तहत शास्त्री चौक पर चलाया गया सफाई अभियान, दुकानों के बाहर रखे कूड़े को किया गया साफ, लोगों को दिया स्वच्छता का संदेश। आगामी दुर्गा पूजा, विजयदशमी, लक्ष्मी पूजा व छठ पूजा को सकुशल संपन्न कराने के लिए नागरिक सुरक्षा कोर कोतवाली प्रभाग की बैठक सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई संपन्न, कहा प्रत्येक स्थानों पर साधारण कपड़े में सतर्कता के साथ ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डन, रखेंगे अराजक तत्वों पर अपनी पैनी नजर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ छकुराई गुज के सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांडे के नेतृत्व में 18 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता में धर्म स्पोर्टिंग ने घोसी एकादश को 1-0 से तथा सेंट जूड्स स्कूल ने एमपी फुटबॉल क्लब को 2-1 से हराकर पूरे अंक किए हासिल, गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के जिला सचिव हमजा खान ने दी जानकारी। और मंगलवार को ही झमाझम बारिश से गर्मी से लोगों को मिली निजात, भारी वर्षा के कारण गोला तहसील के 25 गांव में पहुंचा बाढ़ का पानी, जिला आपदा विशेषज्ञ ने कहा राहत सामग्री करवाया जा रहा है उपलब्ध।